नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एरिक जेम्स और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एथिकल ज्ञान में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रिगार्डिंग कि जो मार्केट में अभी हम देख रहे हैं बहुत सी बातें चल रही हैं गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के रिगार्डिंग। के बिटकॉइन जो है वो एक जगह पे अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं तो गोल्डन क्रॉस बना रहा है, जो कि हम सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल होता है जो गोल्डन क्रॉस है। और दूसरी जो बात है दोस्तों कि जो अगर हम वीकली चार्ट को देखते हैं तो जो बिटकॉइन है वो एक डेथ क्रॉस भी बना रहा है, और डेथ क्रॉस के बाद भी जो मार्केट है बहुत ज़्यादा बेरिश होती है, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो लोगों के अंदर ये बहुत ज्यादा फट था या आप कुछ भी कह सकते हैं, कंफ्यूजन है कि अभी मार्केट में होगा क्या दोस्तों। सो इस चीज को लेकर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और अभी के लिए आप लोग देख सकते हैं जो मार्केट है 1.06 ट्रिलियन डॉलर का है, और जो बिटकॉइन है वो पिछले 7 दिन 24 घंटे और 1 घंटे की बात करें तो बिटकॉइन डाउन है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया है कि जो बिटकॉइन है आप लोग यहां पर देख सकते हैं पिछले 5 दिनों से बिल्कुल डाउन आया है, और यहां से अगर बिटकॉइन उठकर गया है तो मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि डाउन आने का कोई खास न्यूज़ नहीं है, किसी खास फट की वजह से बिटकॉइन डाउन नहीं आया, लेकिन मेरे हिसाब से ये मात्र एक कोरेक्शन है। तो दोस्तों अभी के लिए हम बात करते हैं कि अभी जो गोल्डन क्रॉस BTC में डेली चार्ट में बनने के लिए जा रहा है, और ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते में या फरवरी के अंदर ये गोल्डन क्रॉस बन जाएगा। ये ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल पास में आ चुके हैं ये दोनों। और गोल्डन क्रॉस कब बनता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 50 मूविंग एवरेज जो है डेली चार्ट के अंदर, मात्र डेली चार्ट के अंदर ये चीज़ काम करती है। और बीते अगर गोल्डन क्रॉस आप लोग देखेंगे तो 8 से 9 गोल्डन क्रॉस अभी तक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हुए हैं, और 8 से 9 में से कम 8 जो गोल्डन क्रॉस हैं वो एक अच्छा बुलिश प्रॉफिट, बुलिश सिग्नल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देकर गए हैं। और जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां तक मैंने स्टडी की है, मैंने भी जब इस चीज़ को देखा है कि वीकली चार्ट के अंदर जो डेथ क्रॉस भी बन रहा है, तो मैंने इस चीज़ के लिए जो रिसर्च किया, जो मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की है, उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गोल्डन क्रॉस की पॉसिबिलिटी रहती है वो डेली चार्ट के अंदर रहती है। और गोल्डन क्रॉस क्या रहता है दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जब 50 मूविंग एवरेज जो है नीचे से 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, यानी कि ऊपर की तरफ जाती है नीचे से काट कर, तो गोल्डन क्रॉस बनता है। अगर हम पीछे जाएंगे तो आपको गोल्डन क्रॉस जो डेली चार्ट में देखने को मिलेगा, और ये पॉसिबिलिटी है सिर्फ डेली चार्ट के अंदर। और अगर हम जहां पर जाएं दोस्तों वीकली चार्ट के अंदर, तो अगर हम वीकली चार्ट को ओपन करते हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये 200 मूविंग एवरेज है जो ग्रीन वाली है, और ये जो पर्पल वाली है ये है 50 मूविंग एवरेज, तो ये ऊपर से क्रॉस करने वाली है बिटकॉइन को 200 मूविंग एवरेज को, तो इसको हम बोलते हैं कि डेथ क्रॉस। और जैसे ही हम लोग पीछे जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीछे आने के बाद जो वीकली चार्ट के अंदर पीछे कोई भी यहाँ पर जो डेथ क्रॉस या गोल्डन क्रॉस आपको बिटकॉइन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो मात्र अभी 8 से 10 साल हुए हैं, 8 से 10 साल ही बोल सकते हैं, यानी कि 12 13 साल आप लोग बोल सकते हैं कि जो हुए हैं, तो वीकली चार्ट के अंदर कहीं भी आपको यहाँ पर गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम डेली चार्ट में जाकर दोबारा देखते हैं तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, जैसे ही डाउन जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा एक डेथ क्रॉस, और ये हुआ है दोस्तों जनवरी 22 के अंदर। और उसके बाद मार्केट है जो 50,000 डॉलर से, ऑलमोस्ट 50,000 डॉलर से जाकर वही 15-16 हज़ार डॉलर पे जाकर जो मार्केट रुकी है। और जैसे ही हम लोग और पीछे जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस भी देखते हैं, और गोल्डन क्रॉस यहाँ पर जब हुआ है 12 अगस्त 2021 को, तो मार्केट जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 44,192 डॉलर से थोड़ा यहाँ पर करेक्शन लेने के बाद जो मार्केट ऊपर गई है, आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं जो 69,000 यानी कि 69,000 यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई BTC ने अपना बनाया है, और उसके बाद यहाँ पर मार्केट डाउन आई है क्योंकि यहाँ पर डेथ क्रॉस बनना शुरू हो गया था। और जैसे ही हम लोग और भी पीछे जाते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं एक और गोल्डन क्रॉस आपको देखने को मिलता है, ये है दोस्तों, और ये हुआ है हमारा, और यहाँ पर एक और जो गोल्डन क्रॉस बना है आप लोग इसको देख सकते हैं 9 मई 2020 के आसपास जो ये गोल्डन क्रॉस बना है, और यहाँ पर जो बिटकॉइन का प्राइस है 8,800 यानी कि 8,817 डॉलर से उठकर जो प्राइस गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ओ माई गॉड, यहाँ पर जाकर रुका है 65,190 डॉलर के आसपास,
ठीक है। और ये गोल्डन क्रॉस उसके बाद जैसे ही हम लोग और भी पीछे आप लोग जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर एक डेथ क्रॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ज़्यादा डाउन नहीं गई है, जो कि 8 मार्च 2020 को हुआ है। 8,575 डॉलर से मार्केट गिर के यहाँ पर गई है 38,000, यानी कि ऑलमोस्ट 50% डाउन यहाँ पर हुआ है, हम लोग बड़ा बोल सकते हैं इस डेथ क्रॉस को। और यहाँ पर भी एक डेथ क्रॉस हुआ है, और उसके बाद जैसे ही और आप पीछे जाते हैं तो यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस भी हुआ है, जो कि 25 अप्रैल 2019 को हुआ है। और यहाँ पर जो मार्केट है 5,199 डॉलर से उठकर सीधा गई है 13,978 डॉलर पर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गोल्डन क्रॉस है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंस रखता है डेली चार्ट के अंदर। जो वीकली चार्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि वहाँ पर गोल्डन क्रॉस बने या डेथ क्रॉस बने। तो मेरे हिसाब से जो भी मुझे पता था गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के बारे में, और अभी जो कंफ्यूजन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रहा था उसके रिगार्डिंग जो भी मुझे नॉलेज थी दोस्तों, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप इससे भी बढ़कर कुछ जानते हैं तो नीचे आप कमेंट जरूर करें। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।